नहीं है सर, आप थोड़े साइड में हो जाओ, नहीं तो उधर दिखता नहीं है ना उनको, थोड़ा पीछे थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ। आप कोऑपरेट करें, आपका ही तो काम है सारा, अपना सबका काम, प्लीज थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सुरेश भाई वो दादा थोड़ा साइड में आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ ना सामने से, आ जाओ क्या जाओ उधर जाओ सामने। सब लोग साथ में शुरू करेंगे, आ जाओ प्लीज सर, बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े, आप समझदार व्यक्ति हैं, कृपया स्टेज के सामने ना आए, इसे आप जनता को ही तकलीफ होती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में हर नजर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में हर नजर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर दास करनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर दास करनी चाहिए। खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ओ वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जिस प्रकार से हम कर रहे हैं के लिए, श्रीमान अजीत जी योगी को मैं बुलाना चाहूंगा, वो आकर के और हमें बताए कि वास्तव में ये एक पीड़ा है और जन लोकपाल के बारे में हम क्या कर। वंदे सम्माननीय कुचामन के नागरिक बंधुओं, इंडिया अगेंस्ट जो पढ़ रहा है, जो आगे पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो एक तस्वीर हुआ करती थी वो थोड़ी तस्वीर दूसरी थी। उस समय हम अंग्रेजों के अधीन, हम सभी भारतीयों का उस समय एक ही ख्वाब हुआ करता था कि कब स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य मजबूर करने वाले लोग कौन होते जो सरकार में बैठे हैं, आखिर में हम जाए कहाँ, या तो हम आत्महत्या कर लें, फांसी लगा लें। It stands for courage, it stands for patience, it stands for change. आओ सब साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले और बेहोशी के आदत के और झूठ की इबादत के आंखों से हटाओ। अब जागो तो सब जागो, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, फिर देखो ये हिस्टोरिकल मूवमेंट बन जाएगा। अन्नागिरी सब लोग जानते हैं, रुको एक मिनट, यार वो क्लास कर रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। एक
सूचना की तरफ ध्यान देंगे। यस सर। जैसा आपको पहले भी बताया गया था, यहाँ पर कैंडल्स जलानी है, मोमबत्तियाँ जलानी है। सब अपनी मोमबत्तियाँ लेकर के आए होंगे और नहीं भी लाए तो यहाँ से व्यवस्था रहेगी, आप लोग मोमबत्ती जला करके ही जाएंगे, जिससे ये अपना सहयोग उसमें काउंट हो सके और बता सके कि हाँ मैं इस देश का सच्चा देशभक्त और सच्चा नागरिक हूँ। अन्ना पे लिखी गई है मेरे द्वारा और टेप पे लिखा गया कि मैं अन्ना हूँ, मैं अपने बारे में कविता कैसे सुना सकता हूँ। धन्य है ये देश जिसकी धरती पर अन्ना ने जन्म लिया, धन्य वो हाथ बचपन मिला, धन्य है वो पिता जिसको अन्ना का लड़कपन मिला, धन्य है वे मनुष्य जो अन्ना के समय से परिचित है, धन्य है वे शब्द जो अन्ना के हाथों से रचित है, धन्य है वे लोग जिनको अन्ना से वैराग्य मिला। दोस्तों वैराग्य के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब जनलोकपाल लागू होगा, बाद में जो भी भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इन लोगों को जन लोकपाल के बाद वैराग्य जरूर मिलेगा। धन्य है वे लोग जिनको अन्ना से वैराग्य मिला और धन्य हुआ आज मैं जिसे अन्ना पर लिखने और यहाँ बोलने का सौभाग्य मिला। Oh, my God.
जिया जा।